बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद अहमद बॉम चैनल पर हम आपको वेलकम करते हैं। आज हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार पीटा ब्रेड से पिज़्ज़ा, जो कि बनाना बिल्कुल इजी है। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। देखें, जहाँ पर मैंने लिया ये 400 ग्राम चिकन, चिकन बोनलेस लेके उसके मैंने इस तरह क्यूब की कटिंग कर ली थी। इसको धो के अच्छी तरह साफ़ करके अब शामिल करेंगे इसके अंदर ये लहसुन 1 टीस्पून, लहसुन डालेंगे 2 टीस्पून, लेमन जूस, जहाँ पर मैंने लिया आधा टीस्पून ज़ीरा, आधा टीस्पून सूखा धनिया पिसा हुआ, 1 टीस्पून मैंने लिया तिक्का मसाला, आधा टीस्पून दड़ा मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी और ऑरिगैनो 1/4 टीस्पून। इन सारी चीज़ों को शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। टेबल स्पून भर के डाल दूंगी सिरके का। साथ ही डाल देंगे कुकिंग ऑयल 1 टीस्पून, टेबल स्पून सॉरी। इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। हम इसको रेस्ट देंगे। देखिए, जहाँ पर मैंने चूल्हे के ऊपर पैन रख दिया, 1 टेबल स्पून डालूंगी कुकिंग ऑयल। मैरिनेट किया हुआ चिकन जो हमने आधा घंटा पहले इसको मैरिनेट किया था, इसको शामिल कर देंगे। पहले इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। हमारा अच्छी तरह भुन चुका है, उसमें पानी छोड़ना शुरू कर दिया। अब शामिल करेंगे इसके अंदर ये आधा कप पानी और इसको ढककर 5-6 मिनट पकने के लिए रख देंगे। ऊपर से मैं कवर कर दूंगी। देखें, 6-7 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको चेक करेंगे। देखें, माशाल्लाह ऑयल हमारे चिकन ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया। अब चूल्हा करेंगे बंद। एक टमाटर लेके इस तरह प्याज अंदर से मैंने बीज निकाल लिए, इस तरह कटिंग कर ली, छोटे छोटे क्यूब बना लिए। एक शिमला मिर्च लेके उसकी मैंने इस तरह कटिंग कर ली। एक अदद प्याज लेके उसकी भी इस तरह कटिंग कर ली। अब इन सारी चीज़ों को अपने चिकन के अंदर शामिल करेंगे। सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। को मैंने ग्रीस कर लिया था। जहाँ पर ले रही हूँ मैं पीटा ब्रेड, इसको लेके पिज़्ज़ा प्लेट के अंदर रखेंगे। देखिए, आपने जे वाली साइड नीचे करनी है इसको। ये मेरी प्लेट बड़ी है, ये 3 आराम से आ जाएंगे। ये 3 मैंने पीटा ब्रेड रख दी। अब ऊपर लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। आप अपने पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा लगा सकते हैं। ऊपर लगाएंगे चीज़। ऊपर डाल देंगे जो हमने चिकन और वेजिटेबल। ऊपर फिर लगाएंगे चीज़। मैं लगा रही हूँ मोज़रेला चीज़, आप चेडर चीज़ भी ले सकते हैं। इसको अच्छी तरह से और ब्लैक ओलिव्स लगा देंगे। ऊपर थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, ये बहुत ज़्यादा, इससे हमारा पिज़्ज़ा खूबसूरत लगेगा। को मैंने पहले से 10 मिनट पहले से प्री हीट होने के लिए रख दिया था। आप पैन के अंदर भी बना सकते हैं। अब मैं रख दूंगी पतीले के अंदर आराम से। जब 10 मिनट हम इस तरह पतीले के अंदर पकाएंगे, हो चुके हैं। अब हम निकालते हैं अपना मिनी पिज़्ज़ा। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा
पीटा ब्रेड का पिज़्ज़ा बनकर बिल्कुल रेडी है। ये देखिए माशाल्लाह से एक एक पीस कितना प्यारा बन रहा है। अब हम आपको एक कटिंग करके दिखाएंगे। अब हम इसकी करेंगे कटिंग। देखिए माशाल्लाह से कितना ज़्यादा चीज़ी बना माशाल्लाह से। ये देखें अभी बहुत गर्म है। देखें माशाल्लाह कितना प्यारा यम्मी हमारा पिज़्ज़ा बनकर रेडी हुआ। ये देखें आप भी इस तरह ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ज़्यादा हम बना रहे हैं मज़ेदार से क्लब सैंडविच, जो कि बनाना बिल्कुल इजी है, बच्चों के बड़ों के फेवरेट। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया। जहाँ पर मैंने चिकन लिया, आधा किलो चिकन लेके इसको थोड़ा सा नमक डाल के इसको बॉयल करके इस तरह रेशे इसके निकाल लिए। ये तीन अदद खीरे लेके उसको मैंने चॉपर में डाल के चॉप कर लिया, उसको अच्छी तरह से पानी चोड़ के निकाल दिया। ये खीरे हमारे तैयार हो गए। जहाँ पर मैंने थोड़ी सी बंद गोभी लेके उसको क्रश कर लिया बारीक बारीक और उसका पानी निकाल दिया। ये मेरे पास है गाजर, इसको मैं इसी तरह क्रश करके इसका भी पानी निकाल दिया। अब हम करेंगे स्टार्ट बनाना। ये देखें पहले डालेंगे जो गाजर एक बॉल के अंदर, साथ ही डाल देंगे जो बंद गोभी। सामने कर लेंगे, दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। ये कलरफुल इतने मज़े के, इतने ज़्यादा हेल्दी हैं, बहुत ज़्यादा मज़े के, आप ज़रूर बनाना। अब शामिल करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून मायोनीज का। थोड़ी सी मैं डालूंगी वाइट पेपर। अगर बच्चों को आपने खिलाने हैं तो कम डालना, अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये नमक डालूंगी थोड़ा सा। इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। चिकन को भी पहले मैं डालूंगी वाइट पेपर, इसी तरह डालेंगे नमक। अब जहाँ अपने टेस्ट के हिसाब से 4 टेबलस्पून मायोनीज के, अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब लेंगे खीरे, सेम इसी तरह खीरों के अंदर भी डालेंगे मायोनीज 4 टेबलस्पून। वाइट पेपर, नमक। खीरों को पहले मैंने नमक लगा के थोड़ा सा इसका पानी निकाला था। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आपने डालना। आप वाइट पेपर की जगह ब्लैक पेपर भी ले सकते हैं। 3 टेबलस्पून ली, 2 से 3 टेबलस्पून लूँगी मायोनीज, थोड़ी सी और डालूँगी। ये चिली गार्लिक केचप इसको भी डालेंगे, इनको कर लेंगे मिक्स, इनका पेस्ट तैयार कर लेंगे। 2 टेबलस्पून डालूंगी मस्टर्ड पेस्ट, ये 2 टेबलस्पून हो गया। इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। प्यारा सा हमारा पेस्ट तैयार हो गया। ब्रेड के पीस रख लिखे, अब हम ऊपर लगाएंगे जो हमने बनाया था मस्टर्ड पेस्ट, मायोनीज और चिली गार्लिक पेस्ट, ये ऊपर लगाएंगे। पहले सारा थोड़ा थोड़ा लगा लेंगे। अब आपने चारों तरफ ऐसे थोड़ा थोड़ा लगा लेना, जब अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी लगा सकते हैं, जितना आप पसंद करें। हल्का हल्का सारे
ब्रेड के ऊपर लगा लिया। अब हम एक ब्रेड के ऊपर लगाएंगे ये गाजर बंद गोभी का जो मिक्सचर था, इसको लगा के अच्छी तरह से फैला देंगे चारों तरफ। किनारों पे ज़्यादा नहीं लेके जाना क्योंकि किनारे हमने काटने हैं। एक पे लगाएंगे चिकन, इसी को भी इस तरह फैला लेंगे। पर लगाएंगे खीरे, जो खीरों का हमने बनाया था ये लगाएंगे। ये एक को उठाएंगे ये ऐसे रख देंगे ऊपर, फिर उठाएंगे जो खीरे वाला ये इस तरह रख देंगे। अब जो जो हमारी एक ब्रेड बची थी इसको ऐसे उल्टा कर देंगे, ये देखें माशाल्लाह से। अब हम इसके किनारे काट लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़े थोड़े आपने ज़्यादा नहीं काटने, ध्यान से राम राम से। देखें माशाल्लाह से इसी तरह मैं इसको बना लूँगी। देखें अल्हम्दुलिल्लाह क्लब सैंडविच बनकर हमारे बिल्कुल रेडी है। बना रहे हैं बहुत मज़ेदार चिकन वेजिटेबल ब्रेड, जो को बनाना बिल्कुल इजी है। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, शुक्रिया। देखें यहाँ पर मैं पहले लूँगी ज़्यादा ग्लास मेरे पास है पानी, ये नीम गर्म पानी है। इसमें 2 टीस्पून ये मैं डालूँगी चीनी, ये पिसी हुई है, आप नॉर्मल चीनी भी ले सकते हैं। इसको थोड़ा सा हल करेंगे। ये 2 टीस्पून ईस्ट है मेरे पास, इसको शामिल करेंगे। इसको थोड़ा सा हला देंगे, पहले ईस्ट को एक्टिव करेंगे। चुटकी डाल दूंगी मैदा और इसको एक्टिव होने के लिए साइड पे कर देंगे, ऊपर से मैं ढक दूंगी। 4 मिनट हो चुके हैं, ये ईस्ट हमारी देखें कितनी अच्छी तरह एक्टिव हो चुकी है। अब हम इसको करेंगे साइड पे। ये देखें मैंने लिया मैदा, ये 2 कप मैदा, इसमें डालूंगी 1 टीस्पून ये नमक, ये जाएगा 3 टीस्पून जाएगा कुकिंग ऑयल, अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। इसको मिक्स करेंगे। अब शामिल करेंगे ईस्ट। देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी एक्टिव हुई ईस्ट हमारी, साइडों पे जो लगी है वो भी निकाल लेंगे। अब शामिल करेंगे 1/2 कप दूध, इसकी हमने अच्छी तरह से डो बना लेंगे। आटे से थोड़ी सी सख्त हमने इसको गूंदना है अच्छी तरह से। अब हम इसको अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से गूंदेंगे। मैंने 5 मिनट अच्छी तरह से डो को गूंदा है। अब हम इसको एक प्याले को मैंने अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया, इसके अंदर ये डो डाल देंगे, ऊपर भी ऑयल लगा देंगे, अच्छी तरह से ग्रीस कर देंगे ऑयल लगा के, और इसको रेस्ट के लिए 1 से 1.5 घंटा रख देंगे। अगर तो सर्दियाँ हैं तो 2 से 3 घंटे लग सकते हैं, गर्मियों में तो ये 1 से 1.5 घंटे में अच्छी तरह से राइज हो जाएगी।
ऊपर से मैं कवर कर दूँगी, कवर करके डेढ़ घंटे के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारी डो राइज होती है हम अपनी फिल्म तैयार कर लेते हैं, जहाँ पर मैंने लिया 2 टेबलस्पून भर के कुकिंग ऑयल के, इसको शामिल करेंगे अपने पैन के अंदर, अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। शामिल कर लेंगे 1 टीस्पून जो लहसुन, इसको मैंने बारीक पीस लिया था, इसको शामिल करेंगे। देखिए 2 मिनट मैंने लहसुन को हल्का सा फ्राई कर लिया, अब शामिल करूँगी 1 अदद प्याज लेके, इसकी मैंने बारीक कटिंग डाली थी, इसको शामिल करेंगे, इसको भी हल्का सा करेंगे फ्राई। 4 अदद सब्ज़ी मिर्चें लेके मैंने उनकी बारीक बारीक कटिंग कर ली थी, इसको शामिल करेंगे। इसको हल्का सा भून लेंगे। अब शामिल करेंगे मसाले। मसालों में मैंने लिया जो दड़ा मिर्च 1 टीस्पून, 1 टीस्पून वाइट पेपर, 1/2 टीस्पून मैंने नमक का लिया, क्योंकि नमक मैंने चिकन को बॉयल करते वक्त डाल दिया था। नमक या मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून धनिया पिसा हुआ, साथ में थोड़ा सा डालूंगी पानी ताकि मसाला हमारा जले नहीं। जहाँ पर 1 अदद गाजर लेके मैंने उसकी उसको क्रश कर लिया था, आप काट कर भी डाल सकते हैं, उसको शामिल करेंगे। हल्का सा हलाएंगे इसको। शामिल कर दूंगी जब बंद गोभी, जब थोड़ी सी मैंने लेके 1/2 कप के बराबर इसकी कटिंग कर ली थी, इसको भी शामिल करेंगे। शामिल कर देंगे चिकन, भी 1/2 किलो चिकन लेके मैंने उसको बॉयल करके नमक डाल के बॉयल कर लिया था। बॉयल करने के बाद मैंने इसको ठंडा करके इसके इस तरह ग्रेशे निकाल लिए, इसको शामिल करेंगे। साथ ही डाल दूंगी जो शिमला मिर्च, जो 2 अदद शिमला मिर्चें लेके मैंने बीज निकाल के कटिंग कर ली थी, इसको शामिल करेंगे। जो हमने चिकन चिकन को बॉयल किया था जो जखनी है, जो 1/2 कप, इसको शामिल करेंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। मुझे नमक कम लग रहा था, मैंने 1/2 टीस्पून नमक का और डाला, आप नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। इन सारी चीज़ों को करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। शामिल कर देंगे 1 टीस्पून चिली सॉस, 1 टेबलस्पून चिली सॉस, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून डालूंगी सोया सॉस, इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। 2 टेबलस्पून भर के मैंने मैदा लिया, इसको मैंने 1-2 मिनट पैन के अंदर रोस्ट पहले से कर लिया था, ये भुना हुआ मैदा है, इसको सारी चीज़ों के अंदर मिक्स कर लेंगे। ये पहले से भुना हुआ मैदा है, आपने पहले से भून लेना 1-2 मिनट, हल्का सा रोस्ट कर लें। डेढ़ कप दूध, अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। दूध डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करके पकाना है, ये 3 से 4 मिनट लगेंगे हमें पकाते हुए। अभी 2 मिनट और पकाएंगे। देखें अल्हम्दुलिल्लाह स्टफिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अब हम इसको करेंगे साइड पे, चूल्हा करेंगे बंद, इसको ठंडी होने के लिए छोड़ देंगे। देखें माशाल्लाह से डो हमारी कितनी फूली फूली से हो चुकी है, ये देखें माशाल्लाह से, अब हम इसको निकाल लेंगे। अपने काउंटर पे थोड़ा सा करेंगे मैदा डस्ट, अच्छी तरह से चारों तरफ से, देखें माशाल्लाह से।
थोड़ा सा सेट कर लेंगे। मैंने सेट कर लिया, अब हमें इसकी लंबाई में रोटी बेलनी है। इस तरह करते जाएंगे। देखिए हमने इस तरह से, ये आपको नज़र आ रहा होगा, इस तरह बड़ी सारी हमने चौरस रोटी बेल लेनी। जहाँ पर स्टफिंग हमारी ठंडी हो चुकी है, ये देखिए माशाल्लाह से, अब हम लगाएंगे स्टफिंग। देखिए इस तरह आपने लगाते जाना सारे। अब हम कटर की मदद से कट लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा आपने किनारे पे छोड़ देना, वैसे ही इस तरह सारे कट लगा लेने। देखिए मैंने सारे कट लगा लिए, अब चारों तरफ लगाएंगे पानी। जहाँ पर भी लगाएंगे अब आपने जहाँ से ठा के इस तरह दबाते हुए बंद कर देना। हम एक लेंगे फोक, फोक की मदद से इस तरह दबाते हुए इसको अच्छी तरह से बंद कर देंगे। इसी तरह इसको रोल करते जाएंगे। माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त हमारे ब्रेड तैयार हुई है। ब्रेड को लेके उसको ग्रीस करके ऊपर से बटर पेपर लगा के फिर दोबारा से ग्रीस कर लेगा। इसको अपनी ब्रेड को उठाएंगे, ये देखिए इस तरह सेट कर देंगे इसके अंदर। पिज़्ज़ा ट्रे के अंदर सेट कर दिया, अब हम इसको आधा घंटा के लिए और रेस्ट देंगे। ये देखें माशाल्लाह से आधा घंटा हो चुका है। जहाँ पर मैंने लिए एक अंडे की जर्दी और 3 टेबलस्पून मैंने दूध ऐड किया, इसको अच्छी तरह से फेंट लिया। अब हम ऊपर इसको लगाएंगे ब्रेड के ऊपर अच्छी तरह से, इससे हमारी ब्रेड के ऊपर बहुत अच्छा सा कलर आएगा। अंडे को अच्छी तरह से ब्रेड के ऊपर लगा लेंगे, तरफ इसके अंडा और दूध लगा दिया। अब ऊपर से लगाएंगे तेल, अपनी पसंद के हिसाब से आप कम या ज़्यादा लगा सकते हैं, मैं बस इतने लगाऊंगी। थोड़ी सी ऊपर फुलवंजी लगा देंगे, देखिए माशाल्लाह से इतना प्यारा हमारा चिकन ब्रेड। मैंने पतीले को पहले से प्री हीट होने के लिए 10 मिनट पहले रख दिया था। आप ओवन में बनाना चाहते हैं तो ओवन को पहले से प्री हीट कर लें। अब शामिल करेंगे जब पतीले के अंदर, मैंने पतीले के अंदर रख दी, ऊपर से कवर कर दूँगी। जहाँ पर कपड़ा रख के ऊपर से पानी वाला कोई बर्तन रख दूँगी इसको प्री हीट होने के लिए। ऊपर से पानी वाला बर्तन रख दूँगी इसको
बेक होने के लिए 45 से 50 मिनट तक हम हल्की आंच पर इसको बेक होने के लिए रख देंगे। पूरा घंटा हो चुका है, अब हम करेंगे अपनी चिकन ब्रेड को चेक। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, पहले मैंने 50 मिनट पर चेक की थी लेकिन इतना प्यारा कलर नहीं आया था, मैंने मज़ीद और रख दिया 10-15 मिनट के लिए। अब हम इसको निकालेंगे। ऊपर से आप देसी घी या बटर से आप ग्रीस कर सकते हैं, मैं लगाऊंगी देसी घी, इससे बहुत अच्छी सी शाइनिंग आएगी। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी प्यारी ज़बरदस्त हमारी ब्रेड रेडी हुई है, चिकन वेजिटेबल ब्रेड। कलर देखिए इसका कितना ज़बरदस्त आया। एक पीस में आपको कटिंग करके दिखाऊंगी। ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें कितना यमी, कितना प्यारा। अभी बहुत गर्म है, ये देखें। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये ज़बरदस्त रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आज हम बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी शवारमा, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक करें, शेयर करें। देखें जहाँ पर मैंने लिया ये 400 ग्राम मैंने चिकन लिया, इसको इस तरह क्यूब की शक्ल में मैंने काट लिया। आप किस तरह की भी शेप दे सकते हैं, लंबाई में भी काट सकते हैं। इसको डालूंगा अपने बॉल के अंदर। जहाँ पर मैंने लिया ये दही, इसको मैं 3 टेबलस्पून भर के डालूंगी। इसको पहले मैरिनेट करके रख लेते हैं, जो 3-4 टेबलस्पून गया इसको साइड पे करते हैं। ये 2 टेबलस्पून मेरे पास है लेमन का जूस, ये 2 टेबलस्पून भर के ये शामिल करेंगे। ये लहसुन 1 टीस्पून कुटा हुआ, इसको शामिल करेंगे। जहाँ पर मैंने लिया एक टीस्पून नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने एक टीस्पून से थोड़ा सा कम लिया। 1 टीस्पून सूखा धनिया, जो 1/4 टीस्पून हल्दी, ये 1 टीस्पून रेड मिर्च, 1/2 टीस्पून ज़ीरा कुटा हुआ और टिक्का मसाला 1 टीस्पून। ये सारी चीज़ों को शामिल करेंगे। इसको अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। इसको मैरिनेट होने के लिए 1/2 घंटा रख देंगे। ऊपर से कवर कर देंगे, इसको 1/2 घंटा के लिए रख देंगे। 1/2 घंटा हो चुका है चिकन को मैरिनेट किए हुए। अब हम अपने पैन के अंदर करेंगे कुकिंग, शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून भर के कुकिंग ऑयल, 2 से 2.5 टेबलस्पून डालूंगी। शामिल कर देंगे चिकन को, हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट पकाएंगे अच्छी तरह से। देखें हाई फ्लेम पे पकाते हुए मुझे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम आग को करेंगे थोड़ा सा हल्का। अब तक चिकन हमारा रेडी हो रहा है, हम बना लेंगे सलाद। शवारमे के लिए सलाद के लिए मैंने लिया ये बंद गोभी, इसकी बारीक कटिंग कर ली, ये तकरीबन 1 कप बंद गोभी का। एक मैंने 1 अदद खीरा लेके इसकी इस तरह लंबाई में बारीक बारीक कटिंग कर ली, इसको शामिल करेंगे। जे 1/2 प्याज मैंने लेके इस तरह बारीक बारीक कटिंग कर ली। 1 अदद बड़ा टमाटर लेके उसके मैंने बीज निकाल के इस तरह कटिंग कर ली है उसकी भी, इसको शामिल करेंगे। जे मेरे पास 1/2 गाजर मैंने लेके इसकी इस तरह
इसकी भी लंबाई में कटिंग कर ली, इसको भी शामिल करेंगे। अब शामिल करेंगे ये लेमन जूस 1.5 टेबल स्पून, इसको थोड़ा चटपटा बनाएंगे। ये सिरका ये भी 1.5 टेबल स्पून, नमक 1/4 टीस्पून या हसबे जायका 2 पिंच काली मिर्च, इसको अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। ये देखिए माशाल्लाह से कलरफुल हमारा सलाद बनकर रेडी हो गया। बाउल के अंदर निकाल लेंगे। हमारा सैलड बनकर रेडी है, इसको करते हैं साइड पे और एक सॉस तैयार कर लेते हैं। देखिए मैं भूल गई थी, ये सैलड के अंदर मैंने थोड़ा सा ये पुदीना शामिल किया। जो ऑप्शन आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। इसको भी इसके अंदर शामिल करेंगे, इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। इसको सैलड के अंदर ही मिक्स कर देंगे। देखें अब बनाएंगे वाइट सॉस। वाइट सॉस बनाने के लिए मैंने लिया जहाँ पर 2 जो है लहसुन के, ये नमक 1/2 टीस्पून या हसबे जायका 1/2 टीस्पून, काली मिर्च 1 टेबल स्पून, मैंने लिया सिरका 1 टेबल स्पून, कुकिंग ऑयल। इसको अच्छी तरह से पीस लेंगे। पर मैंने ली मायोनीज, मायोनीज के मैंने 5 से 6 टेबल स्पून भर के लिए। इसको शामिल करेंगे एक प्याली के अंदर, अच्छी तरह से पीस लेंगे। इसको शामिल करेंगे मायोनीज के अंदर, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सॉस हमारी बिल्कुल रेडी है। मनकला हमारी रेडी है, इसको करेंगे साइड पर और एक ग्रीन चटनी बना लेंगे। इसी डब्बी के अंदर मैं डालूंगी एक अदर सब्ज़ मिर्च, ये थोड़ा सा आधा कप सब्ज़ धनिया, इसको शामिल करेंगे। टमाटर शामिल करेंगे, 2 जो है लहसुन के 1/2 टीस्पून से कम है, थोड़ा सा नमक जो हसबे जायका 1 टीस्पून, सिरका थोड़ा सा सिरका डालूंगी, इससे हमारी चटनी का कलर ख़राब नहीं होगा। इसको अच्छी तरह से पीस लेंगे। बिल्कुल रेडी है, ये ऑप्शन है, अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। इससे हमारे शवारमे के अंदर बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। देखें चिकन हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको इसका चूल्हा करेंगे बंद। तो देखें माशाल्लाह बिल्कुल रेडी है। जो सबसे अहम चटनी है वो तैयार करेंगे, जो शवारमे के लिए बिल्कुल अहम है। जहाँ पर मैंने जो 3 अदद लेके सुरख मिर्च साबत, इसमें कम बीज वाली थी, अगर ज़्यादा बीज वाली तो आप 2 लेना। इसको मैंने थोड़ा मोटा मोटा तोड़ के 2 टेबल स्पून पानी लेके उसके अंदर डाल दिया था। इसको शामिल करेंगे। ये प्याज का कुछ हिस्सा है, यानी कि 2 टेबल स्पून के बराबर है, ये शामिल करेंगे। ये 2 जो है लहसुन के और 1/2 टीस्पून जो नमक या हसबे जायका, ये लेमन जूस 1 टेबल स्पून, सिरका 1 टेबल स्पून, कुकिंग ऑयल 1 टेबल स्पून, ये 1 अदर टमाटर, इसको मैंने काट लिया, इसको शामिल करेंगे, और 1 टेबल स्पून सोया सॉस। इन सब चीज़ों को करेंगे अच्छी तरह से पीस लेंगे। रेड सॉस हमारी बनकर बिल्कुल रेडी है। इसको हमने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया, इसको करते हैं साइड पे। जहाँ पर मैंने ली पीटा ब्रेड, तवे को मैंने पैन को चूल्हे के ऊपर गर्म होने के लिए रख दिया। ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। इसको अच्छी तरह से दोनों साइड पे पकाएंगे, ऑयल लगाएंगे, सैर कर देंगे इसकी चेंज। इसी तरह सारी मैं पका लूँगी। पीटा ब्रेड को मैंने अच्छी तरह से दोनों तरफ हल्का सा ऑयल लगा के गर्म कर लिया। अब हम इसको बनाना शुरू करेंगे। देख मैंने बटर पेपर लिया, जहाँ पर रखूँगी ब्रेड,
पहले लगाएंगे सॉस जो हमने प्यारी सी तैयार की है, इसको लगाएंगे। अच्छी तरह चारों तरफ से, जब अभी गर्म है। ऊपर शामिल करेंगे चिकन, चिकन के ऊपर डालेंगे ये जो हमने रेड मिर्च बनाई थी, इसको ये शामिल करेंगे। अब डालेंगे सैलड, जो कलरफुल हमारा सैलड दे जाएगा। ऊपर जाएगी ग्रीन वाली चटनी, इसको करेंगे फोल्ड। देखिए इस तरह से, जहाँ से इस तरह करेंगे थोड़ा सा इसको फोल्ड, बटर पेपर ऐसे घुमाते हुए जहाँ से इस तरह कर लेंगे, ऊपर से इस तरह बंद हो। सारे बना के हम तैयार कर लेंगे सॉस, अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा लगा सकते हैं। इधर से ऐसे फोल्ड कर देंगे, इधर से शवार में बनकर हमारे बिल्कुल रेडी है। मैं एक आपको कटिंग करके दिखाऊंगी। ये देखें माशाल्लाह से, एक मैंने कटिंग किया, ये देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा इसकी लुक आ रही है। आप भी इस तरह ज़रूर ट्राई करना। देखिए माशाल्लाह से, उम्मीद है कि आपको हमारी आज की जो ज़बरदस्त सी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ दें इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।